हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मैं हर बार सोचती हूँ आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ अच्छा ब्लॉग बना करके ले करके आऊँ। इस वजह से भी मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आता है, तो मैं आज नई रेसिपी लेके आई हूँ। पहले तो मैं कांदा काट लेती हूँ। सुबह सुबह कांदा काट करके पानी में मैं काट करके मैं पानी डाल देती हूँ कांदे में, क्योंकि ये किसी किसी को झार लगती है, मुझे तो बहुत मेरे आँख में लगता है कांदा। तो मैं इसीलिए फटक से कभी भी कांदा काटती हूँ तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ और पानी डाल करके ही काटती हूँ। तभी तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, तो फिर आँख में लगने लग गया, तो मैंने इसमें पानी डाल ली। और आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया की रेसिपी, कांदा बढ़िया और टमाटर। तो आप लोगों को मैं रेसिपी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देखिए, मैंने गैस चालू करके तेल डाल दूँगी, फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सब्ज़ी में बहुत ही इजी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो जब घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं होती है, तब भी मैं ये सब्ज़ी बना लेती हूँ बढ़िया की। मूंग दाल की बढ़िया बनाते हैं, तो इसे बना करके बढ़िया तो हम रख देते हैं, 4 महीना तक ख़राब नहीं होती है। अगर घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है या मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, जल्दी खाना सब्ज़ी बनानी होती है, तभी भी मैं ये रेसिपी बना लेती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद है बढ़िया की सब्ज़ी। कांदा बढ़िया मुझे तो बहुत पसंद है, और हरे कांदे में भी बना सकते हैं और ये सूखे कांदे में भी बना सकते हैं। तो मैं लहसुन कूट ले रही हूँ। तब तक कि मैंने रख दी हूँ तेल, रख दी हूँ मैंने गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म होता है तब तक के लहसुन कूट लेती हूँ मैं। और कांदा तो मैंने काट ली थी, और बढ़िया को मैंने कटोरी में निकाल के रखे रखी हूँ गैस के पास में। तो बढ़िया को भी उसको भी कूटना पड़ता है बढ़िया को भी। तो मैं राई जीरा डाल देती हूँ, तेल मेरा हो गया है गर्म, राई जीरा डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कांदा और मिर्ची डाल दी थी, और ये मसाले में डाल देती हूँ। हल्दी, मिर्ची और नमक है, और थोड़ा सा गरम मसाला है, और धनिया है। ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है इसमें, बस यही थोड़े बहुत मसाले हैं। और ये देखिए, ये बढ़िया है, ज़्यादा थोड़ी ही बढ़िया भी तो ज़्यादा नहीं लगती है, बस इतनी सी ही है, एक मुट्ठी बढ़िया है ये। इतने में हम दो जन को सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसे मैं पहले ना, जब तक कि मेरा मसाला वसाला पकेगा, तब तक कि मैं बढ़िया को भी कपड़े में रख करके, और ये देखिए एक टमाटर है, मैं काट लूँगी, एक ही टमाटर मैं डालूँगी, और ये कपड़े को बिछा करके मैं इसमें बढ़िया रख करके इसे थोड़ा सा कूट लूँगी बढ़िया को, ताकि ये पकने में भी अच्छे से पक जाए और मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से सब्ज़ी में। तो इसे मैं भी रख कर के कपड़े में ऐसे ढक दे दूँगी ताकि ये इधर उधर उछले नहीं, और इस कूटने वाले से ही कूट लूँगी। और ये देखिए मेरा सब्ज़ी, मैंने इसमें टमाटर भी डाल दी हूँ काट करके, और थोड़ा देर मैं इसे फ्राई करूँगी 2-3 मिनट तक। और ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, और कांदा भी सब मसाला पक चुका है अच्छी तरीके से। और टमाटर को मैं इस तरह से कर लेती हूँ तो गल जाएगा अच्छे से। टमाटर गल जाता है सब्ज़ी में तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मसाला पकने के बाद में मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और ये देखिए पानी भी डाल दी हूँ और मैंने बढ़िया भी इसमें डाल दी हूँ। तो हमारी रेसिपी 10 मिनट में रेडी हो जाएगी, और हमारी रेसिपी बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।